एम पी चुने हुए सिमरजीत मान ने उन्होंने उत्ते अटैक किया, हमला किया, उन्होंने शहीद मनण तो इनकार किया। अतवादी हिंदू राष्ट्रवादी आर्या समाजी वर्गे उन्होंने दोष लाए है। देखो खड़कल करना सौ चक लाने दुबारे भी खड़कल करना भा मत्था टेके आना हसेनी आए जाए आना सवाल का भी अमल की करते हैं भगतों का नाव लेंदे भगतों की कोई एक गल का अमल करते है अमल सारा वो उल्टा है अमल का साम्राज्य के पक्ष है कह दल है पहलां सरकार कोई फर्क नहीं। मैं तो इतों तकर भी कहना कि यह पहलां सरकार चंगा कहा बरनाला के तर्कशील भवन के भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां की सूबा पदरी मीटिंग 28 सितंबर नूं शहीद भगत सिंह जी के 115वें जन्म दिवस के अवसर से बरनाला की अनाज मंडी विच शहीद भगत सिंह जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस रैली करन दा ऐलान किया गया। संगठन के नेतावां ने कहा कि अनाज मंडी के इस संबंधी तैयारियां शुरू हो चुकी ने और 1 लाख तो वध लोगों की इस रैली विच आने की संभावना दसी जा रही है। अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं असी भगत सिंह के 115वें जन्मदिन से हर साल की तरह 28 सितंबर असी उन्हों का जन्मदिन 115वां मना रहे हैं बहुत जोर जोश खरोश नाल। वरा जिहड़ा पिछले साल दिल्ली मोर्चा किसान मोर्चा से जित के आए हैं वो जित दे विच किरती लोगों ने इकट्ठे होकर हाकम पार्टियां दे तो वक्ख हो के निरलेप हो के जातां तो पासे हट के धर्मां तो पासे हट के खित्तियां तो पासे हट के भाषावां तो पासे हट के किरतियां ने इकट्ठे होके वह मोर्चा जितया है। उहदे नाल भगत सिंह की विचारधारा बहुत उभरी है, उन्हां दा नां उभरिया, उन्हां दी लाइन उगड़ी है, उन्हें रंग दिखाए। इस उन्हां दी विकसित हुई समझ दी जिन्नी लोगों पकड़ हुई है नौजवान हिस्से च पकड़ हुई है ये तो थिड़के हुए कुछ सिख विद्वान एम पी चुने हुए सिमरजीत मान ने उन्होंने उत्ते अटैक किया, हमला किया, उन्होंने शहीद मनण तो इनकार किया। अतवादी हिंदू राष्ट्रवादी आर्या समाजी वर्गे उन्होंने दोष लाए है ये करके क्योंकि वह बखलाट में आए हुए लोग ने उदो पता लगता है कि वह लोग ने जोड़े अंग्रेजी साम्राज्य के होंदया होया भी उन्होंने सेवा करते रहे ने वो जागीरदार हिस्से ने जिन्हों को बड़िया जायदाद जिन्हों अंग्रेजी साम्राज्य ने बड़िया जायदाद दाज वजो दतिया ने हजार एकड़ जमीन के मालक ने जागीरदार सूदखोर से साम्राज्य जिहड़े हाकम धिरां दे पिट्ठू रहे ने जिन्हां दे सिर ते अंग्रेजी साम्राज्य इन्हां ते राज करके गया ते साम्राज्य कारपोरेट अज भी उन्हां दे सिर ते राज करदा वह बखलाई हुई समझ ने उन्हां दा ते साम्राज्य लोगों का लोगों नाल नखेड़ा किया है। इस करके इहदी बहुत विशेषता ये है कि भगत सिंह की समझ जदों लोगों के सामने रखी तो ये घोर दे विच कारपोरेट नूं पहली बार इस अंदोलन के किरती लोगों का कारपोरेट की सीधी टक्कर हुई है तो सिर जोड़ के लोग लड़े ने ते लड़ के उन्होंने मोदी हुई हंकारी हुई मोदी हुकूमत नू हराया ते इहदे नाल लोगों के विच एक चेतनता ते अवेयरनेस जागी है जिहदे करके छिट्टे तुसीं पंजाब च देखे ने पंजाब दे विच लोगों नू एक गल जगी है कि इत्थे बदल चाहीदा बदल सिस्टम बदलना है कि सरकार बदलनी है बदल चंगा हो गया कि माड़ा हो गया ये वक्री गल है पर लोगों ने उन्हां पार्टियां नू जिहड़ियां पार्टियां दी अजारेदारी सी कि इतकी हुण असी आ गए उदों बाद थोड़ी वारी है पंजाब दे विच्चों एक अजारेदारी तोड़ती ये वक्री गल है कि जिहड़ी धिर सत्ता च आई है उन्हां वर्गी ये है पर ये जरूर है कि कदे आई नहीं सी देखी नहीं सी तो लोगों कोई राह नहीं तो जी बदल की भावना लोगों के उठी है इनू तुम आप की जित ना समझो अजारेदारी हाकम धिर ठेकेदार बनिया हुई सी राज की हार में मुख तौर पर देखा जाना चाहिए। ये भगत सिंह की विचारधारा की ही देन है उदे करके सारा कुछ होया इस अंदोलन के सारे हिस्से छोटे किसान मजदूर
ट्रक यूनियन वाले संती कामे विद्यार्थी अनएम्पलॉयड लोग किसान ये सारे हिस्से कट्ठे होकर लड़े ने ते उन्हां दी इह जित होई है। इस करके भगत सिंह की विचारधारा ये सेहरा जांदा है उन्हां दी इस शताब्दी दे उत्ते असीं समझदे हां इत्थे बदलने की लोड़ है। बदलिया किनू जावे? बदलिया सिस्टम नू जावे, बदलिया सरकार नू जावे। ये जिस गांह नू इंप्लीमेंट करनी है समझ नू उहदे ते निर्भर है। इस करके इस जिहड़ी जन्मदिन है 115वां एस एस वरे का इहदी एक विशेषता यह है। किन्ना इकट्ठ होण दी संभावना है? लगभग मैनू लगता भी जिहड़ा असीं थां तुसीं देख के आए हो उहदे साडे इकट्ठ ने समाउणा नहीं, लख तों इकट्ठ टप जाणा जिहदे च लगभग 50,000 तों उत्ते औरतां लई संभावना है भी आ जाएगी। पराली का मुद्दा हर साल किसानों खाम खा बदनाम करने वास्ते उभारिया जाता है। इदू पहलिया सरकार भी पूरा तान लाउंदियां रही हैं ते आप सरकार भी इस गल ते तान ला रही है। जदों के इहदे विच किसानों का पूरा भी कसूर नहीं, क्योंकि किसानों ने तो पूरे देश की भुख कढ़न वास्ते देश नूं आत्मनिर्भर बनाउण वास्ते की झोना की कणक की होर अनाज की नरमा की सब कुछ उगाया और आपदे सिर करजे चढ़ा के भी, क्योंकि भा पूरे मिले नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा वधाते साम्राज्य कंपनियां ने जिन्हां नूं सारी वो पैदावार संभाली हुई है, रेहां स्परेहां दी डीजल मशीनरी दी। इस करके ये जरा प्रदूषण का रौला पाया जाता है। ये खुद नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है कि 94% प्रदूषण होरना कारण करके है, सिर्फ 6% प्रदूषण पराली का। वो 94% बारे कोई चैनल नहीं बोलता, कोई सरकार नहीं बोलती, कोई अखबार नहीं उधर ते जोर दिंदा भी वो किधर गए 94% प्रदूषण फैलाउण वाले। ये संबंध च भी साड़ी ये मंग है पराली के प्रदूषण बारे भी किसानों की कि सानू तुसी 200 रुपया क्वंटल बोनस दे दो जिन्ना खर्चा आना बिना साड़े तो पराली सांभण वास्ते, क्योंकि जे वह मिट्टी च वाही जाती है तो भी वह अगली कणक की फसल में सुंडी पै जाती है, जड़ों के दोबारा बीजनी पई है। जे उन्हू इस तरह वढ के पासे कितें संभालना तो उहदे ते खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो खर्चा जिहड़ा वो सरकार देवे 200 रुपया प्रति क्वंटल किसान आपे सांभ लैणगे, नहीं तो किसानों की यह मजबूरी है, मजबूरी बस साड़नी पैंदी, क्योंकि वह जिहड़ा प्रदूषण जो भी है थोड़ा चाहे बहुता वह सब तो वध असर साडे ते ही हुंदा, साडे पिंडां ते ही हुंदा, साडे आपदे ते हुंदा, जिहड़े अग लाउंदे आ उहनूं सब तो वध असर साडे ते हुंदा। इस करके असी कोई चा नूं नहीं साड़दे, सानू मजबूरी बस साड़नी पैंदी है, चाहे ये लाल एंट्रियां कर देन साडे जमा मंदियां च, चाहे कुछ भी कर लैन, चाहे परचे दर्ज कर लैन, बथेरे किते पहलियां सरकारां ने ये भी करके देख लैन। किसान दे बस की गल नहीं है, यह बेबसी मजबूरी बस सानू पराली साड़नी पैंदी है। तो आ जिहड़ियां गल्लां मैं कहियां मन लवे सरकार लागू कर दे तो यह भी हट जू, पर फिर 94% प्रदूषण का फिर भी रहना, वह की बनाऊ ये सरकार दसे, मोदी सरकार भी दसे तो भगवंत मान आप की सरकार भी दसे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मशीनरी है वो लखां दी गिनती जो मशीन मुहैया करवाइयां जाणगियां, वो मशीनरी के 1100 करोड़ की जिहड़ी कोई वह सबसिडी भेजी केंद्र ने, 300 करोड़ तो अखबारों च आ चुका है भी वह ऊँ छक गए पासे पासे ही। जिहड़ी बाकी दी मशीनरी है वह सबसिडी पा के भी, क्योंकि जो उनकी सबसिडी इन्होंने कंपनियां नूं देनी शुरू की, सीधे किसान नूं नहीं दिंदे भी तू जिथों मर्जी खरीद ला मशीनरी ते तैनूं सबसिडी दे देंगे, कंपनियां फिक्स करते हैं उन्हां नूं सबसिडी दिंदे, उन्होंने रेट दुगना तिगना करता उदों का, जानी सब सारी सबसिडी वह कंपनियां हड़प रही। इस करके आम किसान खरीदण जोगा ही नहीं है उस मशीनरी नूं, उहदे वस दी गल ही नहीं है। तो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो दुगां हदायतां कीतियां कि जिहड़ा 2 एकड़ तक किसान आ उन्हूं सारी दी सारी मशीनरी मुफ्त मुहैया करे सरकार, उहदियां हदायतां च लिखा हुआ है। 10 दसंबर 2015 का फैसला बकायदा एक केस दे विच जिहड़ा पराली दे बारे च केस कीता सी एक किसान ने, उहदे संबंध च फैसला ते 2 तों 5 एकड़ तक 5,000 ते 5 एकड़ तों उपर 15,000,
इन्नी क पेमेंट लेनी है मशीनों की साल की, वो सरकार मुहैया करे, तो जिथे ज कट्ठी करनी है पराली जगह भी सरकार मुहैया करे, उतों तक पहुँचा का प्रबंध भी 2 एकड़ तक वाले किसानों का सरकार करे। वो एक गल भी नहीं कर रही सरकार, इन्हें एक भी नहीं लागू की जा रही। इस करके सारे का सारा दोष सरकार के सिर आ, होने वाली आप सरकार के सिर आ, पहलिया सरकार के सिर आ। ये पराली के प्रदूषण का रौला भी एवें बाहजात ही पाया जा रहा है, क्योंकि माझे दुआबे तो ज़्यादा बासमती होंगी, वो तो साड़ते नहीं, बहुत घट साड़ते हैं। मालवे की साड़ी हुई पराली का प्रदूषण माझे दुआबे तो पहुँचता नहीं, 40-50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से, इतने 300 किलोमीटर से दिल्ली च पहला पहुँच जाता है। ये सरासर झूठा फरेबी प्रचार है जिहड़ा कीता जा रहा किसानों के विरुद्ध, सिर्फ तो सिर्फ बदनाम करने वास्ते, ताकि इन्हों की छिल वध तो वध लाई जा सके, इन्हों की फसलों की लुट वध तो वध की जा सके। असीं 28 तरीक नूं जिहड़ा शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, उहदे विच असीं जिहड़ी मंडी सैड्डां वाली चुनी हुई है, दूजे पासे फरस वाली हैगी है, उहदे ते सारी ते टेंडर लगने शुरू हो गए, जिहड़े सैड्डां तों वक्खरा पाए लगभग उह 1.5 लाख का थां बनता, जिहड़ा कुल जो मंडी कवर हुंदी है, तो साडा अंदाजा है भी लगभग 1 लाख की गिनती आनी है। सारे वास्ते टेंटा का प्रबंध किया जा रहा है, मैटा का प्रबंध किया जा रहा है, पूरी तरह जिहड़ा चाह पानी का उहदा सारा इंतजाम किया होया। उस तो अलावा असी समझ भी गर्मी भी हैगी, पक्षियों का प्रबंध असी सोच रहे हैं, पर सानू इन्ने पक्षे किसी थां तो मिल नहीं रहे, उहदी साडी कोशिश है। तो घट्टो घट असी जिहड़े औरतां वाला जिहड़ा थां होगा उहनू पक्खे हर हालत ला के देवांगे, क्योंकि बंदा तो कई बार कट्ठ उठ के इधर उधर हो जाता है, औरतों जिथे आके बह गई बहनियां भी संघनी है, उन्होंने वास्ते हर हाल पक्षों का प्रबंध करांगे। दूजे वास्ते साडी कोशिश चल रही है, जो सानू पक्खे मिल गए तो असीं सारे पंडाल दे विच पक्खे लाउणे चाहुंदे आ, ते कल तिकर यह सारा प्रबंध मुकम्मल हो जाना शाम तक। देखो जिहड़ा ट्रांसपोर्ट आउणी हैगी है मेनली जिहड़ी अपनी आह फड़ वाली मंडी है मेनली इधर भी आउणा, तो इधर ही असीं सारे खड़ा मतलब खड़ाउणे आ व्हीकल, ऊं साथों बिना जिहड़े होर तबके उह भी आ रहे है, जिवें पंजाब खेत मजदूर यूनियन है वह काडर नूं लैके आ रहे है, ठेका मुलाजम है वह आ रहे हैगे है, ये तो अलावा जिहड़े विद्यार्थी है वह आ रहे है, नौजवान भारत साहब वाले वह आ रहे है, ऐ बहुत सारे जिहड़े तबके होर भी इहदे विच शामिल हो रहे है, ते असीं उहनां नूं सारिआं नूं थां देवांगे, बुलारे दे तौर ते वी उहनां दा इक इक बुलारा बुलाउण दी कोशिश करांगे सारिआं नूं। देखो जिहड़ियां मंगां हैगीआं उहदा मसला अड्ड हैगा, भगत सिंह की कहिंदा सीगा, किहो जिहा उह आजादी चाहुंदा सीगा, असी इत्थे तां उस आजादी की गल करांगे, क्योंकि जिहड़ा भगत सिंह कहिंदा वी जिहड़ा सामराज दी इत्थे पूरी तरह साफ अबलेटी जानी चाहीदी है, सामराज ने इत्थे जगीरदारी पैदा की है, सामराज ने छूतखोरी पैदा की है, वह सारी का खात्मा होना चाहिए, फिर वह बनता है। पर जिहड़े ये हुण तक सरकार आई हैं, जे भगवंत मान जी भी कहना हो, जिहड़े इनकलाब का नारा लाउंदे है, कदे एक भी शब्द उन्हां दा सामराजवाद मुर्दावाद दा नहीं सौंदा, जिहदा मतलब लोगों नूं धोखा देण दी गल हैगी है, इस करके उस राह ते तुरे होए है। इत्थे जे रुजगार का मामला है तो वह सामराजियों नूं लिया के इत्थे उन्हां दे कारखाने लवाउण नूं आदे है, जिहनूं जो पहलां सरकारां तुरियां, कांग्रेसी तुरे है, अकाली तुरे है, उस राह ते सरकार है। भगवंत मान दे किन्नी पहलां बयान लगे हुए उहदियां कैस्टां पईआं होईआं, जिहड़े कहिंदे सी वी बदलाव इत्थे कदा आ गया, उही पुलिस आ उही डंडा है। हुण असीं भगवंत मान नूं पुलसना चाहुंदे आ वी पुलिस तब्दील हो गई, उहनां दा डंडा तब्दील हो गया, उवें तरह लोगों से लाठीचार्ज हो रहा है, पटियाले वड्डी पद्धर से लाठीचार्ज होए है, बरनाले च लाठीचार्ज होए है। जे प्रदूषण की गल कहनी हो, 5 दिन असीं बैठे रहे हैं, कोई किसी ने नहीं सुनी प्रदूषण वाली गल नूं ठीक करन दा, 1.5 महीना हो गया फिरोजपुर के जीरे के बैठे फैक्ट्री बंद कराने वास्ते, तो जिहड़े लोगों ने आवाज की है जमीन उन्होंने धक्के नाल खोण लगे हुए है, बठिंडे के बस्ती सी पूरी तरह सारे घर मलिया मीट किए है, तो गाहां बसेबे वास्ते थाम नहीं दिता, क्योंकि इस किस्म का जिहड़ा विहार है लोगों के उल्ट सामराज के उन्होंने नीतियां के पक्ष च है। असीं लोगों नूं कहना है भी जे बदलाव लिआउणा, आह बदलाव नहीं कम करते जिहड़े वोटां वाले है, जिहड़ा भगत सिंह ने बदलाव कहा है उस बदलाव लई तैयार हो, फिर साडे लोगों का जिहड़ा भला होना। देखो खड़कलकां दा सौं चक लैण, दुआरे भी खड़कलकां दा भावें मत्था टेके आउण, असैनी वाले जाए आउण, सवाल का भी अमल की करते हैं, भगत सिंह का नाम लैंदे, भगत सिंह की कोई एक गल का अमल करते हैं, अमल सारा उहदे उल्ट है, अमल तो सामराज्य के पक्ष च है, बहुकौमी कार परेड जिहड़े घराणे उहनां दे पक्ष च है, लोगों के पूरी तरह उल्ट है। जे रुजगार की गल है, रुजगार का की किया इन्होंने, जिंदगी कहण दीआं गल्लां पहलां वाली सरकारां नाल कोई फर्क नहीं, मैं तो इत्थों तक भी कहना
ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। B5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।